हेलो, मैं इस वक्त अभी मौजूद हूँ जामिया मेट्रो के नीचे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं दृश्य, ये जो कि आप जितना ये जो रस्सी जैसा जो कूड़ा दिख रहे हैं, ये ज़्यादातर जो हॉकर्स अखबार का होते हैं जो सुबह इससे बांटते हैं डोर टू डोर जाकर। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर एक कूड़ा के सैलाब जैसा लग जाता है। जब आप सुबह आकर देखेंगे लगभग 5-6 बजे, तो यहाँ पर पूरी तरह से जामी मटर के नीचे बहुत भीड़ होता है और यहाँ पर हॉकर्स जो अखबार लेकर आते हैं बेचने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पंजी और खासकर रस्सी छोड़ जाते हैं, कि जिस तरह से यहाँ पर गंदगी मच रहा है जामिया मेट्रो के नीचे। आप देख सकते हैं कि सामने किस तरह कूड़ा पड़ा हुआ है, और इस तरह से यहाँ पर भी मैं भी जो बेघर लोग हैं वो भी आकर यहाँ पर सोते हैं, बैठते हैं और यहीं पर सब कुछ करते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरह से आप देख सकते हैं जामिया मेट्रो के नीचे किस तरह से ये कूड़ा, ये ज़्यादातर कूड़ा ये फैला हुआ है अखबार वाले का। देखिए आप देख सकते हैं एक जो ये जो चीज़ है ये अखबार का है, यानी अखबार का जो बंडल होता है उसे बांधा जाता है इस रस्सी से, जो कि आप देख रहे हैं। ये रस्सी जितना भी रस्सी है ये कोई साफ नहीं करता है और इसे छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा मेट्रो प्रशासन को कि आखिर की ये क्यों है? ऐसा कोई दूसरे मेट्रो स्टेशन के नीचे इस तरह का गतिविधि तो नहीं होता है, लेकिन आखिर यहाँ पर क्यों हो रहा है और इसके वजह से यहाँ पर गंदगी कूड़ा सब पड़ रहा है। तो आप सामने भी देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर कूड़ा करकट जमा हो रहा है। और बहरहाल जिस तरह से ये समझने की बात है, मैं और आगे चलकर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर कूड़ा करकट जमा हो जा रहा है। और ये देखिए, ये एक नज़ारा है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से ये अखबार का हो, और यहाँ पर और भी लोग आकर रहते सोते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा मेट्रो प्रशासन को। ये देखिए, यहाँ जो जो लिफ्ट लिफ्ट की तरफ जाया जाता है उसके सामने ठीक आप ये देख सकते हैं कितना गंदगी पड़ा हुआ है। और जिस तरह से आपको समझना, हमें समझना पड़ेगा या हिंदुस्तान गवर्नमेंट, खासकर मेट्रो प्रशासन को, कि लिफ्ट है और लिफ्ट के ठीक सामने जिस तरह से गंदगी कूड़ा पड़ा है, कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। आप सामने जो देख रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो यहीं रात को सोते बैठते हैं उठते हैं, लेकिन ये गंदगी जो फैल रही है कहीं ना कहीं किसी से समझना पड़ेगा। बहरहाल मैं इतना ही अपील करना चाहूँगा कि मेट्रो प्रशासन इस पे संज्ञान ले। और जैसे कि देख सकते हैं ये लिफ्ट है, लोग किस तरह जा रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन सामने गंदगी पड़ा हुआ है। और बहरहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेट्रो प्रशासन इसे देखे और समझे, और यहाँ पर जिस तरह के कोई भी कूड़ा करकट फैल रहा है उसे ख़त्म करने की कोशिश करे। बहरहाल मैं मोहम्मद तस्लीम, जामिया वर्ल्ड के लिए, जामिया मेट्रो के नीचे से।